हेलो गाइस तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है रैम एंड रोम व्हाट इज़ रैम व्हाट इज़ रोम रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी इट इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी वोलेटाइल से मत मतलब कि ये जो वोलेटाइल मेमोरी का मतलब कि जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है या कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तब तक ये स्टोर uh, करता रहेगा डाटा रैम इसमें स्टोर होता रहेगा डाटा लेकिन जैसे ही आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा तो डाटा उड़ जाएगा सारा मतलब डाटा नहीं रहेगा आप उसमें ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है रैम का जबकि रोम में ऐसा नहीं होता इट इज़ ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट एक्सेस मेमरी इसलिए इसको डायरेक्ट एक्सेस मेमरी भी कहा जाता है ये सी से डायरेक्टली लिंक्ड होती है और सारा डाटा सी का स्टोर करती है रैम ऑल टास्क परफॉर्म बाई सी पी यू और स्टोर इन रैम जितने भी सी पी यू टास्क परफॉर्म करेगा वो सारे रैम में स्टोर होंगे रैम इज़ डायरेक्टली एक्सेस्ड बाई सी पी यू ये जो हमने पीछे पढ़ा रैम डायरेक्टली सी पी यू से लिंक होता है इट इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू इसको सीपीयू का एक तरह का पार्ट होता है सीपीयू में प्रेजेंट होता है ये रैम ये बहुत फास्ट मेमोरी होती है इसकी रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी बहुत फास्ट टाइप ऑफ मेमोरी होती है डाटा को बहुत जल्दी स्टोर करती है टाइप्स ऑफ रैम एस रैम और डी रैम एस रैम एस रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी इट स्टोर डाटा कंप्यूटर इज ऑन इसको स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता इसमें स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में जबकि हम तो अपोजिट हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में जाएँ तो वहाँ पर अगर हम रिफ्रेश नहीं करते बार बार उसको कंप्यूटर को या किसी चीज़ को तो वो डाटा स्टोर नहीं करता ठीक है काम इसका वो ये रैम इट इज़ यूज एज अ केस मेमोरी नाउ डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी डी रैम स्टैंड फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी वी नीड टू रिफ्रेश इट कॉन्टिन्यूसली इफ़ वी वॉन्ट टू स्टोर डाटा जैसा मैंने पहले बात की कि, कि अगर डी रैम में हमें डाटा स्टोर करना है तो हमें इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा बारी बारी बार बार जब तक तो हम फ्रेश नहीं करेंगे अगर इसको तो ये डाटा स्टोर नहीं करेगी रोम रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमरी वी कैन ओनली रीड इट बट कैन नॉट राइट ऑन इट इट इज़ अ परमानेंट मेमरी जो रीड ओनली मेमरी हमारी रोम ये एक परमानेंट टाइप ऑफ मेमरी है मतलब अगर हमारा कंप्यूटर शट डाउन भी हो गया है या लाइट चलेगी कुछ भी हो गया तब भी इसमें डाटा स्टोर्ड रहेगा डाटा इज स्टोर्ड इवन व्हेन द इज टर्न ऑफ ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है रोम का रैम पर बहुत बड़ा एडवांटेज इसी वजह से लेकिन रोम फास्ट मेमरी नहीं है जबकि अपनी जो रैम है वो काफ़ी फास्ट मेमरी है अभी इस वीडियो में हमने रैंडम एक्सेस मेमरी की दो टाइप्स पढ़ी एस रैम और डी रैम और रोम को हमने सिंपली पढ़ा रैम और रोम में एक ही हमें डिफरेंस आया कि रैम का फास्ट मेमोरी है थोड़ी स्लो है रोम और रोम का एक एडवांटेज ये है कि यह परमानेंट मेमोरी है जबकि जो हमारी रैम थी वो परमानेंट मेमोरी नहीं थी वो जैसे ही आपका कंप्यूटर शट डाउन हुआ तो आपका डाटा ख़त्म हो जाएगा उड़ जाएगा वो डाटा